हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडी कैसल। आज हम बना रहे हैं मुगलाई चिकन मसाला फ्राई। तो सबसे पहले यहाँ इसके लिए हमको चाहिए चिकन लेग पीस, आप नॉर्मल चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको चाहिए हंग कर्ड। तो बेसिकली ये दही है जो कि हम 6 से 8 घंटे के लिए इसको छन्नी में डाल के इसका सारा पानी निकाल लिए, तो ये है। उसके बाद यहाँ पर हमको चाहिए बादाम, पम्पकिन सीड्स यानी खरबूजे के बीज, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, बारीक कटा हुआ लहसुन, नमक और थोड़ी सी हल्दी। तो अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं जार और इसमें ग्राइंड कर लेंगे हम बादाम। तो अभी इस तरीके से बादाम का पाउडर जो है वो रेडी है। अब इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी इस तरीके से पाउडर जो है वो रेडी है। अभी ये सारी चीज़ों को हम कंबाइन कर लेंगे। चिकन लेग पीस, इसमें ऐड करेंगे दही, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बादाम का पाउडर और पम्पकिन सीड्स का पाउडर। गरम मसाला, काली मिर्ची पाउडर, नमक, बारीक कटे हुए लहसुन, आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से हम कंबाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से चिकन के ऊपर हमने ये मिक्सचर अच्छे से अप्लाई करना है। तो अभी इस तरीके से मिक्सचर हमने अप्लाई कर दिया है। अभी इसे मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए। तो अभी अराउंड 1 आवर हो चुका है, ये चिकन मैरिनेट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे और ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने ले लिया है पैन, इसमें डाला है ऑयल, उसके बाद इसमें प्लेस करेंगे चिकन। तो अभी इसे हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि चिकन जो है अच्छे से कम्प्लीटली कुक हो। लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे एंड 3 to 5 मिनट्स के बाद इसे फ्लिप करेंगे। तो अभी इस तरीके से देख सकते हैं आप, चिकन जो है हमने फ्लिप कर लिया है। अभी इसे गोल्डन ब्राउन होने का वेट करेंगे। लो फ्लेम पे ही कुक करते जाना है। तो अभी चिकन जो है ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं इधर अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और कुक भी हो चुका है। इधर से थोड़ा सा टेयर भी हो रहा। तो अभी मुगलाई चिकन मसाला फ्राई जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हमने स्टोव ऑफ कर दिया है, इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। अभी ये जो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर मसाला था उसको हम इसे ऑयल में स्टर फ्राई करके निकाल लिए। इसे इसके ऊपर टॉप करेंगे। अब फाइनली हम इस पर टॉप कर रहे हैं थोड़े से फ्रेश मिंट लीव्स। तो अभी मुगलाई चिकन मसाला फ्राई जो है वो रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।